हेलो डियर वेलकम टू द सॉल्यूशन हब माय नेम इज सुनील सिंह आज हम लोग देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का सेकंड लेक्चर न्यूमेरिकल सेक्शन का ये सेकंड लेक्चर है इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं 9.10 इससे पहले के न्यूमेरिकल 9.1 9.9 काफी वीडियोज अवेलेबल है प्लेलिस्ट में उसको आप लोग देख सकते हैं नाइन

तो तीन बार ये जो है कॉपर का है ये भी कॉपर का है और ये जो है आयरन का है ठीक है थ्री जो है टू मीटर लॉन्ग है डिटरमिन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स ये जो डायमीटर्स है इसका रेशियो निकालना है क्या होगा इट मींस डी ऑफ सी यू टू द डी ऑफ एफ करना है ठीक है इफ ईच ऑफ हैव सेम टेंशन टेंशन जो है सब में सेम है टेंशन इट मींस जो है स्ट्रेस स्ट्रेस क्या है सेम है स्ट्रेस है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यंग मॉडुलस हम लोग को कॉपर का और आयरन का पता है यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर जो है वाई ऑफ सी यू जो है वो पता है और वाई ऑफ एफ ये भी पता है ठीक है ये नॉन कॉन्स्टेंट होते हैं ये मेंशन होते हैं एग्जाम में में भी टेंशन दोनों सेम है तो स्ट्रेन भी सेम होगा ऑब्वियस सी बात है है ठीक यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल ये फॉर्मूला हमने बताया था यदि कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के लिए सब हो जाएगा तो Y ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई Y ऑफ एफ ई एफ ऑफ सी यू एल ऑफ सी यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सी यू इंटू डेल्टा एल ऑफ सी यू डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एफ ई एल ऑफ एफ ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ एफ ई इंटू डेल्टा एल ऑफ एफ ई ठीक है स्ट्रेस सेम है इट मीन एफ ऑफ सी यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ ई ये पता है लेंथ लेंथ भी सेम है, मीटर दोनों की है दो मीटर तो लेंथ भी सेम है डेल्टा एल स्ट्रेन भी सेम होगा स्ट्रेस सेम है, तो बचा क्या हमारा पैरामीटर एरिया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वाई ऑफ सी यू डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई ऑफ एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ एफ ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सी यू एरिया क्या है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ठीक है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर तो आर ऑफ एफ ई डिवाइडेड बाई पाई आर ऑफ सी स्क्वायर डायमीटर क्या होती है वो टू टाइम्स ऑफ रेडियस होती है तो रेडियस की जगह डायमीटर डिवाइडेड बाई टू भी लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इन टू ऑफ एफ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर डिवाइड लिख दिया डिवाइडेड बाई पाई डी ऑफ सी यू डिवाइडेड बाई टू और डिवाइडेड बाई फोर और इसका स्क्वायर ठीक है यहां से आ गया वाई ऑफ सी डिवाइडेड बाय वाई ऑफ इक्वल टू fe का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ cu का होल स्क्वायर अब यही हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ एफ ई डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ सी यू जो हो जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ वाई ऑफ सी यू डिवाइडेड बाई वाई ऑफ सी स्क्वायर रूट ऑफ और वाई ऑफ cu क्या है तो वाई ऑफ cu है ये और वाई ऑफ fe है ये दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई ऑफ d यू fe क्या हो जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ नाइनटीन डिवाइडेड बाई 12 ये आफ्टर कैलकुलेशन आ रहा है एंड ऑफ द स्टील वायर स्टील वायर है ठीक है तो यंग मॉडल ऑफ स्टील क्या होता है टू इंटू टेन टू द पावर इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है स्टील वायर है तो स्टील का यंग मॉडल हमने लिख दिया ठीक है Of length of one meter. जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया है one meter. ये stretched length नहीं है, लेंथ है. है? है ठीक बाद एक में rotate किया जा रहा सेकंड की स्पीड से ये फिगर दिया हुआ है. ये जो सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है राउंड में सेक्शनल एरिया ऑफ वायर जो है जीरो पॉइंट जीरो एरिया जो दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो इलोंगेशन ऑफ द वायर इलोंगेशन ऑफ द वायर इट मीन्स डेल्टा एल हमको फाइंड आउट करना है मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्थ इट मीनस जब मास बॉटम पे है तब हमको इस वायर में इलोंगेशन कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है तो एलोंगेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यंग मॉडल का फॉर्मूला जो लिखेते लिखे थे वो लिख लेते हैं एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा यल तो यहां से डेल्टा यल जो आ जा रहा है वो एफ एल डिवाइडेड बाई वाई इंटू ए यहाँ पे एल लेंथ पता है वन मीटर एरिया एरिया भी पता है वाई वाई भी पता है अब हमको फोकस करना है एफ क्या होगा एफ की वैल्यू क्या होगी एफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं तो जब बॉटम पे है तो यहां पे बॉटम पे क्या होगा एक ग्रेविटी की वजह से इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा ठीक है और ये जो बॉडी है या मास है एम, वो सर्किल में रोटेट कर रहा है सर्किल में रोटेट करने की वजह से एक सेंट्री फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा जो बाहर की तरफ ऑलवेज वर्क करता है तो यो भी बाहर की तरफ वर्क करेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो ये दोनों फोर्सेस वर्क करेंगे और इन्हीं दो फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो वही हमारा फोर्स जो है इलोंगेशन के लिए कॉज होगा ठीक है तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर ठीक है अब हमारा फोकस है ओमेगा क्या होगा तो ओमेगा दिया हुआ है टू रिवॉल्यूशन पर सेकंड इसको रेडियन में बदलना होगा टू इन तू, तू पाई रेडियन पर सेकेंड ठीक है इट स ये हो जाएगा फोर पाई रेडियन पर सेकेंड सबकी वैल्यू पुट करके एफ निकाल देंगे तो मास कितना दिया हुआ है तो फिफ्टीन के जी सॉरी पॉइंट एट प्लस फोर्टीन पॉइंट फाइव इंटू आर आर क्या होगा तो आर जो होता है वो रेडियस ऑफ द सर्किल होता है तो ये जो होगा आर वन मीटर होगा ठीक है तो वन टू ओमेगा क्या होगा तो फोर पाई का होल स्क्वायर होगा क्लियर इंटू फोर पाई स्क्वायर ठीक है इसको आ रही है टू फोर टू नाइन पॉइंट एफ की वैल्यू एल की वैल्यू वाई की वैल्यू और ए की वैल्यू सबकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे डेल्टा एल हमको फाइंड आउट हो जाएगा इजली सो डेल्टा एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ टू फोर टू नाइन पॉइंट फाइव टू इंटू एल

चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ तो हंड्रेड पॉइंट फाइव माइनस हंड्रेड इंटू टेंट ऑफ दाइनस थ्री ये हो जाएगा जीरो पॉइंट इन टू टेंट टू दावर माइनस थ्री मीटर क्यूब ये हो गया डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्लियर तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हमने बताया था वो था फोर्स एरिया इन टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम ये फॉर्मूला हमने बताया था तो बल्क मॉडल ऑफ द वाटर हो जाएगा पी पी की वैल्यू ये दिया हुआ है तो हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो इंटू टेन टू द पॉवर फाइव वॉल्यूम कितना होगा तो इनिशियल वॉल्यूम ये है तो हंड्रेड इंटू टेन रो पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है तो ये है जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन रो पावर माइनस थ्री

तो इसको बल्क मॉल्स ऑफ एयर जो है ये कांस्टेंट है एनसीईआरटी में एक चार्ट बनाओ एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट बनाओ वहां पे ये सब चीजें दी हुई है वहां से रेफर करेंगे तो बल्क मॉल्स ऑफ एयर जो है वहां पे दिया हुआ है 1 into 10 to 5 पा क्लियर अब दोनों का कंपेयर करना है b ऑफ w डिवाइडेड बाय b ऑफ a आफ्टर कंपेयरिंग 2.026 10 to the 9 डिवाइडेड बाय 1 10 5 टू पॉइंट जीरो टू सिक्स इंटू टेन फोर ये आ रही ये हो जाएगा एक आंसर क्लियर अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म वाई द रेशियो इज सो लार्ज रेशियो इतना लार्ज क्यों है ठीक है तो इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि हर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ एयर इज मच लार्जर इन कंपेयर टू द वॉटर ठीक है इट मींस डिस्टेंस ऑफ द एयर इज ग्रेटर ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ द वाटर क्लियर जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द एयर इज वेरी लेस इन कंपेयर टू द वॉटर सो क्या होगा सो इंटरमोलिकुलर फोर्स वाटर और इंटरमोलिकुलर फोर्स ही हमारा कॉज होता है यंग मॉडुलस का इसीलिए इन दोनों का रेशियो में इतना ज्यादा डिफरेंस है क्लियर अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ वेयर प्रेशर इज एटी एटीएम गिवेन एट द डेंसिटी एट द सर्फेस इज वन पॉइंट जीरो दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ द वाटर एट सरफेस दिया हुआ है इसको सपोज कर लेते हैं हम लोग थ्री वन पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेन टू द पॉवर थ्री के जी पर मीटर क्यूब प्रेसर भी दिया प्रेशर दिया हुआ है प्रेशर पी डैश जिसको हम लोग बोल देते हैं वो दिया हुआ है एट्टी एटीएम और प्रेशर एट सरफेस क्या होता है ये नोन होता है वन एटमोसफियर ठीक है तो इन दोनों से चेंज इन प्रेशर हम लोग निकाल लेंगे वही किसके बराबर होगा हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होगा वही पी के रिस्पॉन्सिबल होगा ठीक है तो वो वैल्यू आ जा रही है एनस सेवेंटी नाइन एटीएम इसको पास्कल में बदल देंगे तो सेवेंटी नाइन इंटू वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन टू द पावर फाइव पास्कल ये हो जाएगा हमारा डेल्टा पी इट मीन पी क्लियर

बल्क मॉडल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला पी इंटू वी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी यह फॉर्मूला होता है पी क्या है ठीक है तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो बल्क मॉडल है वो चेंज इन वॉल्यूम और वॉल्यूम के डायरेक्टली पोर्शनल है और द गि एटमोस्फेरिक प्रेशर गिवेन पर्टिकुलर प्रेशर ठीक है अब इसका रेशियो यदि निकालते हैं यहां से थोड़ा सा कैलकुलेट करके डेल्टा वी वाई वी यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाई B ऑफ है P की वैल्यू इतना दिया हुआ है 79 नाइन इंटू वन पॉइंट जीरो इंटू टेंट ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई पी डब्ल्यू की वैल्यू है 21 वन इंटू टेंट ऑफ पावर नाइन आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आ रही है

क्लियर और v क्या होगा वो होगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्लियर इन दोनों की वैल्यू ये डेल्टा v और v की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो डेल्टा v डिवाइडेड बाय v आ रहा है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी माइनस मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी डैश डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इतना हुआ इसको यदि कैलकुलेट करते थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते तो वन माइनस वन माइनस डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी डैश यहां से और सिंप्लीफाई करके हमको डेंसिटी डैश की वैल्यू निकालनी है डेंसिटी डैश वो हो जाएगा वन माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी रो डिवाइडेड बाय इसको ब्रैकेट में कर दिया ठीक है तो रो डैश जो हो जाएगा रो डिवाइडेड बाय वन डेल्टा वी बाई ठीक है डेंसिटी ऑफ वाटर एट सरफेस क्या होता है तो ये दिया हुआ है को हमने यहाँ पे रोक कर दिया है और इसको जो है रोक डैश बोल दिया है ठीक है तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये दिया हुआ है इसको हम लोग पहले पुट कर देंगे तो 1.03 पॉइंट जीरो थ्री इंटू टेंट टू दावर थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस डेल्टा वीवाई वी की वैल्यू कितनी आई है तो ये कैलकुलेट करके हम लोग निकालने हैं तो यह आया है थ्री पॉइंट एट इन टू टेंट टू दावर माइनस फोर यदि इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आ रही है रो डैश की वैल्यू वन पॉइंट वन, वन, जीरो इंटू टे थ्री के जी पर मीटर क्यूब यह हो जाएगी रो डैश इट मीन डेंसिटी एट डेप्थ ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नाइन पॉइंट वन फोर कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास लैब इट मीन हमको डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है बल्टल ऑफ ग्लास स्लैब होता है थर्टी सेवन इंटू टेन टू है नाइन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ टेन एटीएम का लग रहा है इसको भी हम लोग को पासकल में कन्वर्ट करना होगा टेन इंटू वन पॉइंट जीरो इंटू टेन टू दॉर फाइव पासकल ठीक है डेल्टा भी निकालना है बहुत ईजी तो बी के फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूम ठीक है यहां से चेंज इन वॉल्यूम जो आ जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई बल्क मॉडल प्रेशर कितना है टेन इंटू वन पॉइंट जीरो वन थ्री इंटू टेन टू पावर फाइव डिवाइड इनटू वॉल्यूम कितना है एक्चुअली ये क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रैक्शनल चेंज नॉट वॉल्यूम फ्रैक्शनल चेंज मीन्स डेल्टा वी वाई पूछा है डेल्टा वी वाई हो जाएगा ये यही हो जाएगा आंसर डेल्टा v बाई बी इंटू बी की वैल्यू ये नहीं रहेगा इंटू बी की वैल्यू थर्टी सेवन इंटू टेन टू दावर नाइन ठीक है तो फ्रैक्शनल चेंज इट मींस डेल्टा v बाई वी आ जा रहा है आफ्टर कैलकुलेशन 2.74 into 10 to the power minus 5 इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि तो ये फ्रैक्शन चेंज है डेल्टा v बाई वी है ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था अब प्रोसीड करते हैं 9.15 डिटरमिन द वॉल्यूम कंट्रैक्शन इट मींस चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब तो बल्क मॉडुलस ऑफ कॉपर क्या होता है वो होता है 140 10 टू द नाइन 9 पास्कल ठीक है 10 सेंटीमीटर ऑफ द एज इट मींस लेंथ दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर इट मींस इसको हम लोग बोल देते हैं 0.1 मीटर क्लियर तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा तो जीरो पॉइंट वन इंटू जीरो पॉइंट वन इंटू जीरो प्रेशर दिया हुआ है सेवन इंटू टेन टू दॉर सिक्स पास कर डेल्टा भी फाइंड आउट करना है इजी सिंपल फार्मूले पे हम लोग लो पुट कर देंगे बल्क तो मॉडुलस होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी हो जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई बल्क मॉडल प्रेशर कितना है सेवन इंटू टेन टू द पावर सिक्स वॉल्यूम कितना है टेन टू दावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई बल्क मॉडल कितना है तो वो है वन फोर्टी इंटू टेन टू द पावर नाइन सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे आंसर आ जाएगा इंटू टेन को माइनस एट मीटर क्यूब इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल देंगे तो फाइव इंटू टेन ऑफ दाइनस टू सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा आंसर अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाई टेन परसेंट टेन परसेंट मीन डेल्टा वी वाई बी का परसेंटेज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है टेन परसेंट इट डेल्टा वी वाई वी जो हो जाएगा टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड इट मीन जीरो का बल्क मॉडल कितना होता है तो बल्क मॉडल ट्वेंटी पॉवर नाइन पास कल कुछ लोग ट्वेंटी टू भी बोलते हैं ट्वेंटी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है जो वैल्यू पुट करेंगे उस अकॉर्डिंग आपका आंसर है ठीक है तो प्रेशर हमको फाइंड आउट करना बी इजकल टू सेम वही फार्मूला पी इंटू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी यहां से प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी v इंटू डेल्टा v डिवाइडेड बाय वी बी की वैल्यू है 21 वन इंटू टेन टू पावर नाइन और डेल्टा v बाई वी इट मींस पॉइंट वन इट मींस ये आ जाएगा 2.1 पॉइंट टू द पावर नाइन पास्कल ये हो जाएगा आंसर क्लियर तो आई होप क्लियर हो गया होगा आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट चिप्टर स्टार्ट करते हैं तो थैंक्स डियर थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज